योगी जी हमारे सारे सर्टिफिकेट चाहिए कि योगी जी आपने परमिशन क्यों दे दी 1000 बसें चलाने की, जो सवाल आप यहाँ उठा रहे हैं तो आपको वहाँ पूछना चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पोस्चरिंग करनी है सर। जवाब है नहीं क्या? जवाब है नहीं क्या? समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास आपके सर जवाब है तो दे दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ मैडम, आप कहे के लिए। नहीं तो ये जो 15 ट्रेनें चल रही हैं, इसमें दिल्ली टू हावड़ा ट्रेन नहीं चल रही है। यहाँ आपने बंगाल की इजाजत ली है क्या? फिर श्रमिक एक्सप्रेस के लिए क्यों बंगाल की इजाजत का आप आड़ ले रहे हैं? मैं पूरी कर लूं। और अब मैं 4 मिनट आपको दे चुकी हूँ इस शो में, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। मैंने 3 बार आपसे एक ही सवाल दोहराया, पूरा समय आपको नहीं दे सकती। भारतीय मीडिया में ऐसे कुछ ही मौके होते हैं जब मेनस्ट्रीम मीडिया के एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करते हैं और उनके गलत जवाब देने पर उनको टोकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार रुमाना इसर खान की। रुमाना अपने डिबेट में पक्ष और विपक्ष दोनों पर हावी होती हैं, पर हम आज उनकी कुछ वो डिबेट सिखाएंगे जब वे सत्ता सरकार यानी बीजेपी के नेताओं पर हावी पड़ी। एबीपी न्यूज पर लॉकडाउन को बढ़ाए जाने को लेकर डिबेट हुई। डिबेट में जब रुमाना ने बीजेपी नेता के शर्मा से सवाल किए तब वे ठीक से जवाब ना दे पाए और जवाब को गोलमोल करने लगे, जिस पर रुमाना भड़क उठी। नीतियों में दिवालियापन, सरकार की नीतियों का दिवालियापन, उस पर मोहर लगाता है सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम निर्देश। के शर्मा जी, दिवालियापन शब्द जो है ये आपका है, सुप्रीम कोर्ट का है। पहले तो इसको आप क्लियर करें। मैंने सवाल पूछा है सर आपसे, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्देश, सरकार की नीतियों में दिवालियापन, उस पर क्या मोहर लगा रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। मैंने पहले वर्ड क्या यूज किया? सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन नीतियों का नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं तो कह रही हूँ कि मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि सरकारी नीतियों का दिवालियापन, उस पर मोहर लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, अंतरिम निर्देश सुप्रीम कोर्ट का। आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं उत्तर दे दूं। जी दीजिए, देश जानना चाहता है सरकारी नीतियों के दिवालियापन पर। और बोलना है और बोल लीजिए मैडम, एक साथ पूरा बोल लीजिए तब जवाब लीजिए। सर जवाब है नहीं क्या? जवाब है नहीं क्या? समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास आपके पूरे जवाब है, लेकिन आपकी तो आवाज बंद हो। आप बंद करेंगे तब तो मैं बोलूंगा। सर जवाब है तो दे दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ मैडम, आप कहे के लिए इतनी उतावली हो रही है? आप सुनने की साहस तो रखिए अपने पास। जब आपने जो वर्ड यूज किया दिवालियापन सरकार की नीतियों का, मैंने ये कहा कि ये दिवालियापन की बात उन्होंने नहीं कही है। जो कार्य केंद्र सरकार कर रही है, जो जो है मजदूरों को या अन्य लोगों के लिए जो सुविधा उपलब्ध करा रही है, उसी बातों को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा है। जहाँ तक कैश ट्रांसफर का काम है तो सर, मतलब सारे मजदूरों को कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब राजीव त्यागी के शर्मा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वक्त है सर, जो काम केंद्र सरकार कर चुकी है उसी काम को आगे बढ़ा रही है सुप्रीम कोर्ट। सर अगर केंद्र सरकार ने ये सब कुछ कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो एक्शन लेकर सुनवाई क्यों कर रहा है? इस बात का जवाब कोई देश को देगा या नहीं देगा? एबीपी न्यूज पर कांग्रेस बीजेपी बस विवाद के मुद्दे पर डिबेट हुई। डिबेट में एंकर रुमाना ने बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी से बस न चलने पर सवाल किए, जिस पर वह कांग्रेस पर निशाना साधने लगे। इस पर रुमाना भड़क उठी और सुधांशु को बस न चलने देने पर टोकने लगी। राजस्थान की राज्य सरकार पत्र लिखती तब हमारी ये बसें आ रही हैं, ये हमारे द्वारा प्रमाणित, हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की। सुधांशु जी यहाँ पर सुधांशु जी बहुत विचित्र बात। सुधांशु जी सर टेक्निकली तो ये भी बहुत विचित्र बात है सर, कि जिस तरीके से चिट्ठी पत्री का ये खेल चल रहा है, मजदूर सड़क पर पैदल है, वो आज भी सड़क पर संघर्ष कर रहा है सर, और अब आप एक और चिट्ठी की यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि साहब राजस्थान सरकार से एक और चिट्ठी लिखवा लेते सर उनको पैदल। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए कि सत्ताधारी दल अपनी सरकार नहीं पार्टी से लेटर लिखवा रहा, मुझे जवाब चाहिए। सारी राजनीति इसी में है। मैंने तो सर रोमाना जी बस बॉर्डर पर खड़ी हूं, चुनौती के साथ मैंने कहा बस बॉर्डर पर खड़ी है सर। प्रावधान बता दीजिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लेटर पर ब्लैंकेट परमिशन दी जा सके। सर, भी बैठे सर आप तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर परमिशन देनी नहीं थी, बता दे, आप मुझे ये बता दीजिए अगर ये परमिशन देनी नहीं थी जो प्रावधान आप ये प्रावधान आप योगी जी से पूछिए ना सर, क्यों दी योगी सरकार ने? मैं आपसे और शेष तीनों से कह रहा हूँ, लॉकडाउन के अंदर इंडियन व्हीकल एक्ट का एक क्लॉज बताइए कि किसी प्राइवेट संस्थान द्वारा भेजी गई बसों को ब्लैंकेट परमिशन दे जा सकती हो? मैं तीनों से पूछ रहा हूँ, चारों से जवाब दे। मैं तो ये कह रही हूँ ये सवाल आपको योगी जी से पूछना चाहिए ना, उन्होंने परमिशन क्यों दी? वही तो वो पूछ रहे हैं भाई, हमें फिर एक योगी जी हमारे सारे सर्टिफिकेट चाहिए कि
योगी जी, आपने परमिशन क्यों दे दी 1000 बसें चलाने की? जो सवाल आप यहाँ उठा रहे हैं ये तो आपको वहाँ पूछना चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पोस्चरिंग करनी है और यहाँ पर बसें चलने नहीं देनी है। मजदूर का कहीं भला ना हो जाए सर, मुझे चर्चा आगे बढ़ानी पड़ेगी। राजीव त्यागी, यहाँ पर कौन सेवा भाव कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है? दोबारा अच्छा कहिए। मजदूरों के मुद्दे पर एबीपी न्यूज पर डिबेट हुई। एंकर रोमाना ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से मजदूरों को हो रही परेशानियों पर बात करने को कहा। संबित जब जवाब को गोलमोल घुमाने लगे तभी रोमाना ने संबित को टोकना शुरू कर दिया। रोज 300 ट्रेन सरकार। डॉक्टर पात्रा, आपने इतने विस्तार से पूरा जवाब दिया लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मैंने सवाल आपसे ये किया था कि साहब मजदूर जो हैं वो सड़क पर पैदल क्यों हैं? और ऐसे में जो आपने आखिर में, नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए, आपने आखिर में वो जो पीयूष गोयल के ट्वीट का जिक्र किया ना, जिसमें उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि साहब स्पीड अप कीजिए, इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रही थी। ये देश में जो 15 ट्रेनें आप चलाते हैं जिसमें एसी कोच ही सिर्फ चलेंगे, जनरल और स्लीपर क्लास नहीं होगा, वहां तो आपको किसी राज्य सरकार से कोई इजाजत नहीं चाहिए, लेकिन जब मजदूरों के लिए आपको श्रमिक एक्सप्रेस चलानी है तो आपको दो राज्य सरकारें आपस में सहमति कर ले। अगर राजी है अपने यहाँ के मजदूरों को लेकर जाने के लिए तो ले जाए। कि कैसा रवैया है सर केंद्र सरकार का, इस पर जवाब दीजिए। एक पेमेंट स्ट्रक्चर भी है, जब तक सहमति नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से नहीं। तो ये जो 15 ट्रेनें चल रही हैं इसमें दिल्ली टू हावड़ा ट्रेन नहीं चल रही है, यहाँ आपने बंगाल की इजाजत ली है क्या? फिर श्रमिक एक्सप्रेस के लिए क्यों बंगाल की इजाजत का आप आड़ ले रहे हैं या ढाल बना रहे हैं उसको? फ्रांस 70 दिन में 60,000 केस बना, यूएस 65 डेज में 60,000 केस बना, जर्मनी 62 डेज में 60,000 केस बना, स्पेन 56 डे में 60,000 केस बना। की नहीं हो रही है ये चर्चा, यहाँ पर मजदूरों को लेकर हो रही है कि आखिर मजदूर जो है सड़क पर क्यों है? वो सड़क पर मजदूरों को लेकर जो मजदूर को भुगतना पड़ रहा है कि मजदूर बेआसरा सा सड़क पर बेबस नजर आ रहा है। चलिए मैं मजदूरों को लेकर भी जवाब देता हूँ। CAA NRC को हिंदू मुस्लिम करने के मुद्दे पर एबीपी न्यूज पर डिबेट हुई। एंकर रोमाना ने बीजेपी नेता गौरव बाठिया से सवाल करने शुरू किए। जब वे ठीक से ना जवाब दे पाए तो रोमाना उन पर भड़क उठी, उन्हें मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने पर टोकने लगी। ठीक है, आज हमने देखा पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह बता दिया गया कि साहब ये जो सियासी दल विरोध कर रहे हैं ये दरअसल CAA का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये देश के हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। CAA को आप चुनौती देंगे और उसके बाद कहेंगे कि इस पे रोक लगा दो। अरे CAA से कौन सा देश का मुसलमान है जिसका हक छीना जा रहा है? CAA तो नागरिकता देता है, लेता नहीं है। गौरव भाटिया, दूसरी बात, गौरव भाटिया, आप मुझे बताइए, मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं गौरव भाटिया, कोई भी प्रदर्शन, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, मेरा सवाल सर, आप कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान में नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल तो बिल्कुल यही था सर। आप अभी कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान में जाएंगे नहीं, लेकिन जो बयान आते हैं नेताओं के तो मुझे वो सड़क पर उतरे। नहीं नहीं, मैं सवाल आपसे फिर दोहराती हूँ सर, ताकि आप स्पेसिफिकली मेरे सवाल का जवाब दें। ना चाहते हुए भी आपने अपने जवाब में भी बता दिया किस तरीके से पूरा मामला जो है वो हिंदू मुसलमान पर ही आ रहा है। हिंदू मुसलमान पर ही आ रहा है ये पूरा मामला। तहसीन पूनावाला का मैं रुक करूंगी, तहसीन पूनावाला ने हाथ उठाया है। तहसीन कहिए अपनी बात, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, बाकी मैं मुझे जाना है। तहसीन आइए, मैं पूरी कर लूं। मैं 4 मिनट आपको दे चुकी हूँ इस शो में, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। मैंने 3 बार आपसे एक ही सवाल दोहराया, पूरा समय आपको नहीं दे सकती, मैं आगे मेहमानों को रुक कर आइए। तहसीन, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, दोबारा आऊंगी सर। तो मुझे 1 मिनट देने में आपको रोमाना जी, आपने मुझे रोमाना जी 1 ही मिनट मांगा था, मैं इंतजार कर जी। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एबीपी न्यूज पर डिबेट में एंकर रोमाना ने बीजेपी नेता से सवाल करने शुरू किए, तब बीजेपी नेता ने एंकर पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया, जिस पर रोमाना भड़क उठी। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो मनोहर लाल खट्टर सरकार की पुलिस है उस पर इन कुछ लोगों को यकीन क्यों नहीं कि कुछ लोग खुद ही पहुंचाते हैं, खुद ही ये लोग नमाज रुकवाने लगते हैं? सर पहले तो इस बात का जवाब दीजिए मुझे। मुझे लगता है रोमाना खान थोड़ा सा निष्पक्ष होकर बात करेंगी तो अच्छा लगेगा। जिस तरह की बातें पहले जो सर, मैं पत्रकार की हैसियत से बात करती हूँ और मैं निष्पक्ष होकर बात करती हूँ। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि मनोहर लाल खट्टर की पुलिस पर कुछ लोगों को यकीन क्यों नहीं है? मैं चुनौती थोड़ी दे रहा हूँ सर, आप सवाल मेरा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं इस वजह से आपसे सवाल। एबीपी न्यूज के एंकर इतने नाराज हो जाते हैं ठीक नहीं लगता है सर, जवाब आप लोग देते नहीं है। लोग कार्यक्रम देखते हैं, दर्शकों को लगता है कि देखिए घुमा रहे हैं, एंकर सीधा जवाब नहीं ले पा रहे हैं। आप मुझे सीधा जवाब दीजिए, भाजपा का पक्ष सुनना ही नहीं है। मनोहर लाल खट्टर आपको रशीदी का सिर्फ पक्ष सुनना है, सिर्फ रशीदी का पक्ष सुनना है कि भाजपा का भी सुनना है? आप जवाब देंगे तो मैं जरूर सुनूंगी और मैं चाहती हूँ मेरा दर्शक भी सुने। मैं ये अवसर तो दे,
अवसर तो दे कृपया मैडम, अवसर तो दे। देखिए उलमा इकराम का बहुत इस मामले में साफ कहना है। ये कुछ वो डिबेट थे जब रोमाना ने बीजेपी नेता को चुप रहने पर और जवाब देने पर मजबूर कर दिया हो। हम यही चाहते हैं कि मीडिया एंकर इसी तरह डिबेट में सरकार की तरफ से मौजूद नेताओं से सवाल करें और उन्हें जवाब देने पर मजबूर करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।